ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए, ए वेक्टर हमारा क्या है, हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और बी वेक्टर के बारे में अगर बात करें तो बी वेक्टर हमारा है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब यहां पर क्या है, लेमडा बी वेक्टर। लेमडा क्या है, बेसिकली एक स्केलर कांस्टेंट है और इसी की हमको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 times लेमडा जे कैप प्लस लेमडा के कैप। ठीक, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2 और दोनों को ऐड कर दिया 1 plus 2। तो ए वेक्टर प्लस लेमडा लेमडा टाइम्स बी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 2 minus लेमडा आई कैप प्लस 2 plus 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 plus लेमडा के कैप। ठीक, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर की। और सी वेक्टर हमारा क्या है, सी वेक्टर हमारा क्या है, 3i कैप प्लस जे कैप। सो और ये हमें दे रखा है ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मस्ट बी जीरो होना चाहिए। ये हमारा तो ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर हमारा क्या आया है, देखिए ये हमारा कितना आया है, 2 minus लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस 2 plus 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 plus लेमडा के कैप डॉट में हमारा ये सी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 times 2 minus लेमडा प्लस 2 plus 2 लेमडा इंटू 1 हो जाएगा। और देखिए यहां पर हमारा k का कोई कोफिशियंट है नहीं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और ये देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 minus 3 लेमडा प्लस 2 plus 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 minus लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 8। और लेमडा की वैल्यू 8 हमारा क्या है, लेमडा की वैल्यू 8 ही हमारा आंसर है। लेमडा की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी।